आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओंकारेश्वर का प्रसिद्ध गोमुख घाट अव्यवस्था का केंद्र बना। कर्म करने आने वाले श्रद्धालुओं की फजीहत। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए टीन शेड नहीं, नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी से स्नान करने को मजबूर। ओंकारेश्वर गोमुख घाट पर जहां वर्षों से पितरों की शांति के लिए तर्पण और अन्य कर्म किए जाते हैं, कर्म करने वाले श्रद्धालु पंडितों को टीन शेड, महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए स्थान, अन्य सुविधा नहीं होने से तीनों ऋतुओं में काफी असुविधा होती है। श्रद्धालु को गंदगी में स्नान करना मजबूरी हो गया, जिससे तीर्थ की छवि खराब हो रही है। महाराष्ट्र के श्रद्धालु महेश मेहरा ने बताया कि संपूर्ण नगर का गंदा मलमूत्र सीधे नर्मदा में जा रहा है। कर्म कराने आने वाले श्रद्धालु को तीर्थ में कोई सुविधा नहीं। पंडित पंकज केरहारकर ने बताया कि अति प्राचीन गोमुख घाट पर कर्म कराने आते हैं। यहां पर कर्म के लिए बैठने के लिए टीन शेड और अन्य सुविधा की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जिसे जन प्रतिनिधि भी गंभीरता से नहीं ले रहे। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। घाट है, बहुत प्राचीन घाट है। पुराने समय से यहाँ पर 50-100 सालों से यहाँ पर पितरों का कर्म होता है, जैसे दशा कर्म, एकादशा कर्म, अस्थि विसर्जन होता है। और यहाँ पर कोई प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गंदगी इतनी कि यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले वो भी परेशान होते हैं, और पिंडदान के जजमान जो आते हैं यहाँ पर पंडितों के, वो भी बहुत परेशान होते हैं। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत सारे। आगामी दिनों में 16 श्राद्ध चालू होंगे, उस समय क्या कर्म कराने वालों की संख्या बढ़ जाती है? हाँ, जब 16 श्राद्ध का समय लगता है तो बहुत संख्या में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ तो ब्राह्मण के अलावा और अन्य जाति के भी ब्राह्मण कर्म करवा रहे हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं है। आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ब्राह्मण जो है उसको, उनकी जानकारी निकाल के यहाँ पर उनको बिठाया जाए और उनके एक जगह व्यवस्थित बनाई जाए, ताकि उनको कर्म करने के लिए कोई तकलीफ ना हो। टीन शेड अभी सांसद विधायक द्वारा कभी लगाए गए? नहीं, कभी भी नहीं लगाए गए, कोई ने देखा भी नहीं है झाक के। हमने कितनी बार पहल करी, लेकिन किसी ने कोई आगे होके कुछ काम नहीं किया इसके प्रति। आपका परिचय? मेरा नाम है पंडित पंकज केरलकर, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हूँ। सर, पहले तो मेरा नाम बता दूँ, मेरा नाम महेश मेहरा है, मैं भुसावल महाराष्ट्र से आया हूँ। और यहाँ पे सुविधा असुविधा कम है। ऐसा है कि लेडीज़ को नहाने के बाद में उनको वस्त्र वगैरह चेंज करना होता है, तो कोई सुविधा नहीं है, है ना। किसी की माता बहनें अपनी आती है तो उनको व्यवस्था नहीं है। और नालियों का पानी डायरेक्ट यहाँ जहाँ पे स्नान हो रहा है वहीं पर उतर रहा है, तो ये एकदम उचित नहीं है। पूरा गंदा पानी शहर में यहीं उतर रहा है, तो नहाने में मज़ा नहीं है। तो इससे अच्छा होशंगाबाद है, जहाँ पे उन्होंने बढ़िया बनाया, व्यवस्था की है लेडीज़ों के लिए। तो कृपया ध्यान दें इस विषय पर, अपनी माता बहनें आती हैं यहाँ पर, तो विशेषकर उनका ध्यान रखें। आपका परिचय? मेरा नाम महेश मेहरा, भुसावल से।